हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेनू है और आप लोगों की खास रिक्वेस्ट पर मैंने रोलो कर्टेन का वीडियो वापस से बनाया है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि दी आपने जो रोलो कर्टेन का वीडियो बनाया बहुत ही अच्छा बनाया, और कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे उस वीडियो के लिए कि दी जो आपने वीडियो बनाया बहुत अच्छा है, आपका आइडिया भी बहुत अच्छा है, पर जो आपने वीडियो को क्या किया कि लास्ट में थोड़ा सा फास्ट कर दिया, जिससे हमको वीडियो थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आया कि आपने उसमें डोरी कैसे डाली। तो इसलिए मैंने ये वीडियो खास आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वापस से बनाया है। और तो आई होप कि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझा पाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। मेरे पास यहाँ पर ये एक पुराना साटिन का कर्टेन था, जिसको मैंने अपने विंडो की साइज का कट कर लिया। इसकी लंबाई है 53 इंच और चौड़ाई है इसकी 41 इंच। और ये कर्टेन का ऊपर का भाग है, जिसको मैंने 1.5 इंच के करीब ऊपर से फोल्ड किया है। ये पर्दे के नीचे वाला भाग है और इसको मैंने 2.5 इंच के करीब फोल्ड किया है, क्योंकि इसमें मुझे कार्डबोर्ड रोल को डालना है। और यहाँ पे पर्दे के दोनों साइड को भी मैंने 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर 2 कॉटन की डोरी ली है, जिसकी लंबाई 4 मीटर के करीब है। फ्रेंड्स, ये मिरर पर लगाने की रिंग होती है, पहले मैं इसी का यूज़ करने वाली थी, पर जब कर्टेन पूरा बन गया और इसका यूज़ किया तो ये इससे कर्टेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो आप इसकी जगह ये ऐसे की चेन की रिंग ले सकते हैं, या फिर ये कर्टेन की जो ऐसी रिंग आती है वो, या फिर ये जो मैंने बनाई है ऐसी बड़ी रिंग को यूज कर सकते हैं। मैंने इसी का यूज किया है। यहाँ पर ये एक लेस मैंने ली है, जो इसको मैं कर्टेन पर लगाऊंगी, और दूसरा मैंने यहाँ पर रिंग को हैंग करने के लिए ऐसी पतली सी लेस ली है। आप इसकी जगह पर कोई कपड़े की पट्टी बनाकर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रिंग में पट्टी को डालकर ऐसे चिपका देना है। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसा कर्टेन बनाएं तो बड़ी साइज की रिंग का ही यूज करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये वेलवेट के लेस की जो पट्टी कट करी थी 2.25 इंच के करीब, इसको कर्टेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको हमने 1.5 इंच के करीब फोल्ड करके रखा था, तो दोनों कॉर्नर पर हमें इस पट्टी को लगा देना है हैंग करने के लिए, और उसके बाद ही हमें जो पर्दे की ऊपर की पट्टी है उसको फोल्ड करना है और अच्छे से सिलाई कर देनी है किनारों के ऊपर। यहाँ पर मैंने कर्टेन की पट्टी को फोल्ड कर दिया और साथ ही दोनों किनारों पर भी लेस की पट्टी को लगा दिया। और ये दोनों तरफ पट्टी लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पर्दा हमारा बीच में से फोल्ड होगा। अब मैंने यहाँ पर कर्टेन के ऊपर वाले भाग को बीच में से फोल्ड कर लिया, और जहाँ से हमारा फोल्ड है कर्टेन, वहाँ से मैंने 9 इंच के करीब निशान किए और एक निशान को मैंने साइड में से किया। फ्रेंड्स, आपको ध्यान यह रखना है कि जो भी निशान हम लगाएं आगे और पीछे दोनों सेम जगह पर होने चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, पर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो कर्टेन हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। और उसके बाद जो रिंग में हमने पट्टी को लगा कर रखा था, तो जैसे यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जहाँ हमने सिलाई की थी उसके थोड़ा सा ऊपर से हमें रिंग को लगाना है। पहले आप चिपका दीजिए, उसके बाद अच्छे से इसके ऊपर सिलाई कर दीजिए। तो ऐसे 3 रिंग हमें पर्दे के आगे लगानी है, और ये है पर्दे के पीछे वाला भाग। तो यहाँ पर भी सेम जैसे आगे प्रोसेस किया वैसे ही हमें पीछे करना है, और पीछे की तरफ हमें ऐसी 2 रिंग को लगाना है और उसके बाद अच्छे से सील लेना है। तो यहाँ पर ही मैंने पीछे की साइड भी 2 रिंग को लगा दिया है। अब मैं पर्दे पर लेस लगाऊंगी, और लेस लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ऊपर की पट्टी फोल्ड की और जहाँ पर पट्टी की सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हमें लेस को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को लगा दिया और रिंग को भी अच्छे से अटैच कर दिया। अब यहाँ पर मैं डोरी के लिए लटकन बनाऊंगी, जिससे कि डोरी थोड़ी अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैंने 6x6 इंच का कपड़ा कट कर लिया और कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ते हुए और कॉर्नर के बीच में डोरी को लगा कर और इसको ऐसे सील देंगे डोरी के ऊपर से, तो हमारी लटकन बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों डोरी पर लटकन बनाई है और दो दो लगाई हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पर्दे को उल्टी साइड से हैंग कर दिया है और अब इसमें मैं आपको डोरी लगाना बताऊँगी। तो पहली रिंग में डोरी डालकर हमें सिंपल जैसे नॉट लगाते हैं वैसी लगानी, और ऐसा ही हमें दूसरी रिंग में करना है, डोरी डाल के और नॉट लगानी है और बाकी की डोरी को हमें ऐसा ही छोड़ देना है। अब मैंने कर्टेन को सीधी साइड से हैंग कर दिया है और अब हम इसमें आगे की तरफ डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने से पहले हमें इसमें कार्डबोर्ड रोल या जो भी हम इसमें पीवीसी पाइप या फिर वुडन की लकड़ी यूज करेंगे वो इसमें सबसे पहले डालनी है। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड रोल को लिया है और इसी को मैं पहले पर्दे में डाल दूंगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना पर्दे की जितनी चौड़ाई है कार्डबोर्ड रोल उससे एक एक इंच दोनों तरफ से छोटा लेना है, मतलब कार्डबोर्ड रोल कपड़े के अंदर रहना चाहिए, दोनों तरफ से बाहर नहीं दिखना चाहिए। पर्दे में कार्डबोर्ड रोल डालने के बाद हमें फर्स्ट वाली डोरी को लेना है और उस जो पर्दे के आगे हमने तीन रिंग लगाई थी उन तीनों रिंग में से फर्स्ट वाली डोरी को पास करवाना है। और उसके बाद हमें ऐसे ही सेकंड डोरी को लेकर दो रिंग के अंदर से पास करवाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों डोरी को किस तरीके से पर्दे में लगाया है। तो सिंपल तरीका याद रखना है कि फर्स्ट वाली डोरी को हमें तीनों रिंग के अंदर से निकालना है और सेकंड वाली डोरी को हमें सिर्फ दो रिंग के अंदर से ही निकालना है। तो ये हमारा रोल अप कर्टेन बनकर तैयार हो गया है और मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कर्टेन को रोल करें तो दोनों डोरी को एक साथ पकड़कर ही खींचना है, तभी आपका कर्टेन अच्छे से रोल हो पाएगा और उसको अच्छे से हैंग भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो मैंने कार्डबोर्ड रोल लिया है उसमें कुछ मैंने भारी चीज़ अंदर डाल के और फिर कार्डबोर्ड रोल को डाला है जिससे ये आसानी से नीचे आ रहा है। आपको भी ऐसा ही करना है, कुछ वेट वाली चीज़ इसके अंदर रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।